दोस्तों वेलकम स्लीपी चलिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करें पर मैं आपको बता दूं यदि 2025 में आप देने वाले हैं शेखर जरूर लें चलिए अब ये ना यूपीपीसी का सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल लगता है मुझे एल नीनो इन वोअरेंस ऑफ वार्म करेंट्स पेरुवियन कोस्ट पे ईस्टर्न पैसिफिक पे दूसरा जब भी ये वॉर्म करंट होगी इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर ऑन द पेरुवियन कोस्ट बाय टेन डिग्री सेल्सियस देयर बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फाइटो इन द सी राइट कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और करेक्ट आंसर क्या है यहां पे ओनली वन <coughs> देखो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं देखिए जब भी आप बात करेंगे एल नीनो की लानीना की हमारा रेफरेंस हमेशा ट्रेड विंड्स होगा तो आपको पता है ट्रेड विंड्स जिस तरफ आएंगी उसी तरफ आपका वार्मर वाटर आएगा इसको समझाने के लिए मैं हमेशा एक चीज बताती हूं कि आप जो है <coughs> जब भी आप वार्मर वाटर की बात कर रहे हैं आप इमेजिन कीजिए कि वार्मर वाटर तो अपर रीचेज में है क्योंकि इंसुलेशन एक लिमिट तक ही जो है पानी में पेनेट्रेट कर सकती है तो अब हवा की डायरेक्शन जिस तरफ होगी वार्मर वाटर उसी तरफ इकट्ठा होगा तो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन जिस तरफ होगी उसी तरफ वार्मर वाटर आएगा तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ट्रेड विंड्स की तरफ इस डायरेक्शन होती है ध्यान से देखिए ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है ये साउथ अमेरिकन यानी कि पेरूवियन कोस्ट है तो नॉर्मल में ये हवाएं आती है टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलियन कोस्ट यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ऑस्ट्रेलिया की तरह वार्म वाटर होना चाहिए लेकिन एल नीनो में क्या होता है एल नीनो के समय देखा जाता है कि यह ट्रेडमेंट जो है हो जाती है वीक अब जब ये ट्रेड ट्रेडमेंट वीक हो जाएंगी जो वार्म वाटर नॉर्मली यहां आ रहा था अब इट विल स्टार्ट फ्लोइंग टू साउथ अमेरिकन कोस्ट यानी वार्म वाटर अब कहां जाएगा पहले इस तरफ आ रहा था पर अब क्योंकि ट्रेड विंड वीक हो गई ये वार्म वाटर वापस जाने लगेगा टूवर्ड्स पेरूवियन कोस्ट यानी अब वार्म वाटर कहाँ आ गया घूम के पेरूवियन कोस्ट पे आ गया तो वही वो कह रहा है कि एलिनो के समय में वार्म वाटर कहां होगा पेरूवियन कोस्ट पे पहली चीज तो ओनली वन तो करेक्ट है ही है अब देखो पेरूवियन कोस्ट में ना इन जनरल जब भी हम इन जनरल पेरूवियन कोस्ट की बात करते हैं आप ध्यान दो यहां पे कोल्ड करंट है यहां होती है अप वेलिंग ऑफ वॉटर अब आप समझो कोल्ड करंट है अप वेलिंग ऑफ वॉटर है जब भी ये नॉर्मल कंडीशन होंगी तब बहुत ज्यादा होंगे अब आप आप समझो क्यों फाइटो की जब भी बात करें ना ये पानी के अपर रीचेस में ही हमेशा होते हैं क्यों क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए दो चीजें चाहिए एक इनको चाहिए सनलाइट एक इनको चाहिए न्यूट्रिएंट्स अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए राइट इसीलिए पानी के अपर रीचेस में सनलाइट तो बहुत ज्यादा रहेगी और जहां जहां कोल्ड वाटर होता है जहां-जहां अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है वहां-वहां न्यूट्रिएंट्स भी आते रहते हैं अपवेलिंग से इसीलिए जहां भी अपवेलिंग होगी कोल्ड वाटर होगा वहां हमेशा ही फाइटोप्लांकटन ज्यादा होंगे बेसिकली ऐसा होता है ना कि अपर रीचेस में सनलाइट तो हमेशा है पर सनलाइट कांस्टेंटली यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए अब क्या होगा अगर सनलाइट यूज हो रही है तो साथ में न्यूट्रिएंट्स भी यूज हो रहे होंगे तो एक समय के बाद न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है लेकिन जब अपवेलिंग से कॉन्स्टेंटली न्यूट्रिएंट्स आते रहते हैं तो फोटोसिंथेसिस चलता रहता है फाइटोप्लांकटन चलते रहते हैं इसीलिए यहाँ पे फाइटो बहुत होते हैं विच इज अ वेरी गुड फिश फूड इसीलिए पेरूवियन कोस्ट पे अपवेलिंग की वजह से कोल्ड वाटर की वजह से फिशिंग इंडस्ट्री बढ़िया होती है लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है जब यहाँ पे कोल्ड करंट है एल नीनो के समय क्या आ गया यहां आ गया वार्म वाटर है ना तो जो कोल्ड कंडीशन थी वो नहीं रही यहां क्या आ गया वार्म वाटर आ गया वार्म वाटर जब आ गया तो ये जो सिनारियो था कि अपवेलिंग की वजह से न्यूट्रिएंट्स आते जा रहे तो बना ही नहीं तो सनलाइट तो वही है लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे और फाइटोप्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है अब अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो बहुत ज्यादा वहां ग्रो ही नहीं कर पाएंगे इसीलिए जब एलिनो की वजह से यहाँ वार्म वाटर आ जाता है तो बहुत ज्यादा फाइटो की ग्रोथ तो जी नहीं हो रही है क्योंकि वो जो न्यूट्रिय मिलने वाला पार्ट था वो जो है अब बहुत ज्यादा पहले की तरह नहीं रहता इसीलिए आपका आंसर ओनली वन है

ना false, true, इन सबको जो है imagine करके कुछ second के लिए बताइए क्या है डी अब देखिए ओपन वाटर जोन ही है यहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा आती है राइट तो इसीलिए आप देखो जोन ओपन एंड वेल लिट एरिया ऑफ फ्री स्टैंडिंग बॉडी है लाइक फ्रेश वाटर यहां पे सफिशियंट सनलाइट होती है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है इसी जोन को हम फोटिक जोन भी कहते हैं इसीलिए इस जोन को बहुत ही ज्यादा फोटोसिंथेटिकली एक्ट जोन माना जाता है लेक का जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है तो क्या होगा फाइटोप्लांकटंस के लिए बहुत ही बढ़िया होता है इसीलिए इसको प्राइमरी हैबिटेट माना जाता है प्लैंकटोनिक स्पीशीज का तो जरूर जो है इस चीज को आप याद रखें इसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आपको बहुत मदद करेगा राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये देखिए एक और जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये भी मैंने एक पेपर से लिया हुआ है नो अब देखिए लेक और कंट्री कौन सी करेक्टली मैचड नहीं है बेकाल रशिया मिशिगन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओनेगा कैनेडा मरा कैबो वेनेजोला मराकाइबो तो रिसेंटली न्यूज़ में भी था इसलिए भी मैंने ये क्वेश्चन लिया है तो कौन सा करेक्ट नहीं है यहां पे थर्ड करेक्ट नहीं है देखिए लेक बैकाल बिल्कुल रशिया करेक्ट है जो हम लेक मिशिगन की बात करें ना तो ये ग्रेट लेक्स का पार्ट है मैंने आपको कई बार बताया भी है ग्रेट लेक्स को याद करने का नुमोनिक है होम्स राइट ह्यूरोन ओंटारियो मिशिगन ईरी एंड सुपीरियर राइट लेक मराबोला जो ओनेगा है दैट इज एसोसिएटेड विद रशिया मैं आपको दिखाती भी हूं देखिए लेक बैकाल रशिया ये चाइना मंगोलिया तरफ है और दूसरी तरफ है ना हम देखिए फिनलैंड है यहाँ पे तो जो दूसरी तरफ है रशिया का वहां पर आप लेक ओनेगा देख सकते तो नहीं ये क्यों इंपॉर्टेंट है कभी कभी राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट अरेंज करने के लिए आ जाता है इसीलिए इनकी पोजीशंस मैंने आपको दिखाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं है, right? लेक है, की चिंता नहीं करनी है भी, कोर्स भी ले आप कूपन कोड में, में मेरा नाम श्रद्धा यूज कर सकते हैं स्पेलिंग देख लीजिएगा एनी कोर्स सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस हमेशा ही आपकी फी कम होगी है ना जीएस शेखर टू शिखर बैच एनी कोर्स राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं अब कोपन क्लासिफिकेशन है ना अब ई एफ आपने कोपन क्लासिफिकेशन जो है पढ़ा भी होगा नहीं पढ़ा है तो मैंने यूट्यूब पे एक लेक्चर भी पूरा लिया हुआ है जरूर देखें ई एफ क्लाइमेट के लिए कौन सा सही है दिस इज द रीजन ऑफ परमाफ्रॉस वेर सब सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है वॉटर लॉगिंग सपोर्ट है ड्यूरिंग समर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डेलाइट यहाँ पर होता है तो याद रखिएगा इनमें से जो है कोई भी करेक्ट नहीं है क्यों क्योंकि यहां बेना दो क्लाइमेट टाइप्स दिए हुए हैं ई एफ आपका और एक्सट्रीम है पोलो क्लाइमेट का आइस कैप्स वाला है ना जो आइस कैप्स है ग्रीन अंटार्कटिका उसकी बात हो रही है टेम्परेचर यूजली बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन और जो मैंने वहाँ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए ना ये टूंड्रा यानी कि ईटी क्लाइमेट के हैं और यदि आपको नहीं आता ना ये लेक्चर ज़रूर देखें ज़िंदगी का एक घंटा आपने यहाँ देना है बहुत क्लैरिटी से आपको कोपेन क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा राइट लास्ट क्वेश्चन द टर्म दोआज वॉज रिसेंटली न्यूज ये किसको रेफर करता है राइट तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ट्रीटी है जोग्राफिकल रीजन है इकोनॉमिक पॉलिसी है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस है करेक्ट आंसर है बी राइट right? अब दोआार्स क्या होते हैं मैंने रिसेंटली इस पर एक शॉर्ट भी बनाया है तो ये बेसिकली आपके एलोवियल फ्लड प्लेन्स है लिख लीजिए इसको एलोवियल फ्लड प्लेन्स है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया राइट विच मीन्स ये फर्टाइल है वेल well ड्रेन्ड है और रिच इन ह्यूमस भी है यहाँ पे टी प्लांटेशन लगाई जाती थी ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है बिकॉज ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वन फिफ्टी ईयर्स ऑफ टी प्रोडक्शन इन दोवार्स एरिया को सिग्निफाई करता है राइट right? तो ध्यान रखिएगा एलोवियल फ्लड प्लेन्स नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में

तो दैट्स ऑल फॉर द डे ऑल द बेस्ट दोस्तों बाय बाय